Hello students and welcome to the history class 7 chapter 3 the delhi sultans part 1 in this video lecture we will study the first two topics of the delhi sultans and cover up the full explanation on that topics so let us start the video the delhi sultans सो दिस चैप्टर इज़ ऑल अबाउट द सुल्तान द रूलर्स ऑफ डेली इन द एनशियन पीरियड ये चैप्टर दिल्ली के राजाओं के बारे में उनके सुल्तानों के बारे में है जो पुराने समय में वहाँ पर राज करते थे इन चैप्टर टू वी सॉ दैट रीजन्स लाइक द कावेरी डेल्टा बिकेम द सेंटर ऑफ द लार्ज किंगडम्स पिछले चैप्टर में जैसे कि हमने पढ़ा था कि कावेरी डेल्टा में बहुत सारे किंगडम्स का जो सेंटर बन गया था वो बहुत बड़े बड़े किंगडम्स का डिड यू नोटिस दैट देयर वॉज नो मैंशन ऑफ अ किंगडम विद डेली एज इट्स कैपिटल तब हमारी कैपिटल डेली नहीं थी और वहाँ पे कोई भी ऐसा किंगडम नहीं था जिसकी कैपिटल डेली हो दैट वॉज बिकॉज डेली बिकेम एन इम्पॉर्टेंट सिटी ओनली इन द ट्वेल्थ सेंचुरी ऐसा इसलिए था क्योंकि दिल्ली ट्वेल्थ सेंचुरी में ही एक इम्पॉर्टेंट सिटी बनी थी उससे पहले वो एक अन्पॉर्टेंट सिटी थी एक नॉर्मल सिटी थी टेक अ लुक एट टेबल वन दिल्ली फर्स्ट बिकेम द कैपिटल ऑफ अ किंगडम अंडर द टमार राजपूत्स हु व डिफिटेड इन द मिडल ऑफ द ट्वेल्थ सेंचुरी बाई द चौहान ऑल्सो रेफर टू एस चाह मनाज ऑफ अजमेर ऑफ अजमेर तो दिल्ली जो था वो पहले तोमर राजपूत के द्वारा रूल किए गए किंगडम की कैपिटल बनी थी ना कि पूरे इंडिया की और जो तोमर राजपूत थे वो इन द मिडल ऑफ द ट्वेल्थ सेंचुरी दे वर डिफीटेड बाय द चौहान्स जिनके बारे में हमने सेकेंड चैप्टर में पढ़ा था इट वॉज अंडर द तोमर्स एंड द चौहान्स दैट डेली बिकेम एन इम्पोर्टेंट कमर्शियल सेंटर ये तोमर्स और चौहान्स के अंडर जब डेली कैपिटल आया तो ये एक कमर्शियल सेंटर बन गया और इम्पोर्टेंट कमर्शियल सेंटर बन गया तब इसकी इम्पॉर्टेंस शुरू हुई Many rich Jaina merchants lived in the city and constructed several temples. बहुत सारे अमीर जैन merchants, rulers, merchants जो थे वहाँ पर जो काम करने वाले थे वो city में रहते थे और बहुत सारे temples construct करते थे और करवाते थे Coins minted here called Delhi Wall had a wide circulation. वहाँ के कॉइन्स का नाम वाल था और वो बहुत सर्कुलेशन में थे द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डेली अ कैपिटल दैट कंट्रोल्ड वास्ट एरियाज़ ऑफ द सब स्टार्टेड विद द फाउंडेशन ऑफ द डेली सल्तनेट इन द बिगिनिंग ऑफ द थर्टीन सेंचुरी डेली को एक कैपिटल बनाने की जो ट्रांसफॉर्मेशन थी एक प्रोसेस थे वो कब शुरू हुई जब दिल्ली सल्तनत सल्तनत बन गई थर्टीन सेंचुरी में और यह बहुत सारे सब कॉन्टिनेंट के बड़े बड़े एरियाज़ को कंट्रोल करती थी टेक अ लुक एट टेबल वन अगेन एंड आइडेंटिफाई द फाइव डायनेस्टीज दैट टुगेदर मेड द डेली सल्तनत दीज आर द फाइव डायनेस्टीज राजपूत अर्ली टर्किश ख खलजी तुगलुक सद लोडी डीज वर द डाइनेस्टीज द डेली सुल्तान बिल्ट मैनी सिटीज़ इन द ए एरिया डेट वी नाव नो एज़ डेली बहुत सारे दिल्ली के सुल्तान वहाँ के रूलर्स ने बहुत सारी सिटीज़ बनाई उस एरिया में जिसको आज हम दिल्ली के नाम से जानते हैं Look at map 1 and locate Delhi-e-Kunha, Kunha, Siri and Jahapana. This is map 1 and here is Jahapana, Delhi-e-Kunha and Tughlaqabad, Adilabad, Siri. These three are mentioned here. So the first topic of the chapter is फाइंडिंग अबाउट द डेली सुल्तान अब हम दिल्ली के सुल्तानों के बारे में वहाँ के रूलर्स के बारे में पढ़ेंगे इन डेप्थ थोड़ा सा ऑल द इंस्क्रिप्शन क्वाइंस एंड आर्किटेक्चर प्रोवाइड अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन एस्पेशली वैल्यूएबल आर हिस्ट्रीज तारीख रिटर्न इन पर्शियन द लैंगेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द डेली सुल्तान जो इंस्क्रिप्शंस हैं हैं और आर्किटेक्चर है जो डॉक्यूमेंट्स हैं और जो टेम्पल्स हैं उनसे बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है बहुत सारी हिस्ट्री के बारे में पता लगता है तारीख़ के बारे में पता लगता है डेट्स के बारे में जो कि पर्शियन में लिखी जाती थी जो लैंग्वेज वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन की होती थी रूलर्स की होती थी द ऑथर्स ऑफ तवारीख व लर्नेड मैन वो पढ़े लिखे लोग होते थे जो तवारीख को लिखते थे तवारीख एक डॉक्यूमेंट होता था वो कौन लोग होते थे सेक्रेटरीज एडमिनिस्ट्रेटर्स पोट्स कर्टियर्स हु बोथ रिकाउंटेड इवेंट्स एंड एडवाइस रूलर्स ऑन गवर्नेंस एम्फोसाइजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ जस्ट रूल वो इवेंट्स को भी रिकाउंट करते थे जो पुराने इवेंट्स होते थे उन्हें लिखते भी थे और रूलर्स को सुल्तानस को एडवाइस भी करते थे कि आप अब नया रूल ये बना लो आप ये बना लो आप ऐसे करो आप वैसे करो उनको एडवाइस देते थे जैसा कि अभी भी होता है गवर्नमेंट में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो रूलर्स को एडवाइस करते हैं कुछ ऐसे ऑफिसर्स होते हैं वैसे ये ऑफिसर्स होते थे और वो न्यायपूर्वक राज पे विश्वास करते थे कीप द फॉलोइंग एडिशनल डिटेल्स इन माइंड द ऑथर्स ऑफ तवारीख लिव्ड इन सिटीज एंड हार्डली एवर इन विलेजेस जो तवारीख के ऑथर्स होते थे वो ज़्यादातर दिल्ली में रहते थे सिटीज़ में रहते थे और वो विलेजेस में बहुत कम रहते थे गांवों में बहुत कम रहते थे दे ओफन रॉट दे आर हिस्ट्रीज फॉर सुल्तान इन द होप ऑफ रिच रिवार वो हिस्ट्रीज को लिखा करते थे रिच रिवॉर्ड्स पाने के लिए बड़े बड़े इनाम पाने के लिए दीज ऑथर्स एडवाइज रूलर्स ऑन द नीड टू प्रिजर्व एन आइडियल सोशल ऑर्डर based on birthright and gender distinctions. Their ideas were not shared by everybody. वो उनको ideas देते थे, advice करते थे rulers को कि आप birthright के ऊपर और gender distinctions के ऊपर order चलाओ. In 1236, Sultan Iltutmish daughter Razia became Sultan. जैसे कि Razia Sultan हमने बहुत बार नाम सुना हुआ है वो इलतुतमिश की डॉटर थी 1236 में वो सुल्तान बनी थी द क्रॉनिकलर ऑफ़ द एज मिनहाजी सिराज रिकगनाइज दैट शी वॉज मोर एबल एंड क्वालिफाइड दैन ऑल हर ब्रदर्स जो मिनहाजी सिराज था उसे लगा कि वो रज़िया बहुत एबल है और मोर क्वालिफाइड है उसके ब्रदर्स से ज़्यादा बट ही वॉज नॉट कम्फर्टेबल एट हैविंग अ क्वीन एज रूलर लेकिन वो यह नहीं चाहता था और ये कम्फर्टेबल नहीं होता था कभी भी ये सोच कर कि एक क्वीन हमारी रूलर हो कि एक लेडी रूलर हो ऐसा उसको पसंद नहीं था नॉर फर दर नॉबल्स हैप्पी एट हर टू रूल इंडिपेंडेंटली ना ही नोबल्स जो कि बड़े लोग होते थे तब के ना ही उन्हें ऐसा अच्छा लगता था वो खुश नहीं होते थे जब वो इंडिपेंडेंटरी रूल करने की बात करती थी शी वॉज रिमूव्ड फ्राम द थ्रोन इन ट्वेल्व फ़ोर्टी ट्वेल्व थर्टी सिक्स में वो सुल्तान बनी और ट्वेल्व फोर्टी में उसको रिमूव कर दिया गया अब हमने दो यहाँ पे वर्ड्स पढ़े बर्थ राइट और जेंडर डिस्टिंक्शंस इनके मीनिंग्स देख लेते हैं बर्थ राइट प्रवलेज क्लेम्ड ऑन अकाउंट ऑफ बर्थ जो बर्थ के बेस पर हमें प्रिविलेज़ मिलते हैं हमें बेनिफिट्स मिलते हैं कुछ फ़ायदे मिलते हैं उन्हें बर्थ राइट कहते हैं फॉर एग्जाम्पल पीपल बिलीव दैट नोबल्स इनहेरिटेड देयर राइट्स टू गोवर्न बिकॉज देवर बॉर्न इन सर्टन फैमिलीज कुछ ऐसी बड़ी फैमिलीज में कोई पैदा होता था जहाँ के राजा होते थे लोग उन्हें ये बर्थ राइट होता था कि वो गवर्न कर सकते हैं उनके राइट right होते थे ये कि वो राजा की फैमिली में है तो वो राजा बनेंगे ऐसा एक बर्थ राइट होता था इन्हें कहते थे बर्थ राइट प्रिवलेज को जेंडर डिस्टिंक्शन सोशल एंड बायोलॉजिकल डिफरेंसेस बिटवीन विमेन एंड मेन जो सोशल और बायोलॉजिकल डिफरेंस होते हैं मेन और वमेन में उनको जेंडर डिस्टिंक्शन कहते हैं जेंडर मतलब मैन मतलब और वेमेन डिस्टिंगशंस मतलब डिफरेंसेस। यूजुअली दीज डिफरेंसेस आर यूज टू आर्ग्यू दैट मैन आर सुपीरियर टू वेमेन और नॉर्मली ये ये दिखाने के लिए जेंडर डिस्टिंगशंस होते थे कि मैन जो हैं वो सुपीरियर हैं ऊँचे हैं और वेमेन नीचे हैं दिस वाज़ द फर्स्ट टॉपिक नाव लेट एस स्टार्ट द सेकेंड टॉपिक

वो जो हैविली फोर्टिफाइड टाउन्स थे ग्राइजन्स के उनसे बियॉन्ड नहीं जाता था वहीं तक एक सीमित रह गया था द सुल्तान सेल्डम कंट्रोल्ड द हिंडरलैंड ऑफ़ द सिटीज़ एंड वेयर फॉर डिपेंडेंट अपॉन ट्रेड ट्रिब्यूट और प्लंडर फॉर सप्लाईज जो सुल्तानस थे वो सेल्डम मतलब कभी कभी ही हिंटरलैंड को कंट्रोल करते थे सिटीज़ के और वो इसलिए ट्रेड ट्रिब्यूट और प्लंडर सप्लाईज के लिए डिपेंडेंट रहते थे हिंटरलैंड क्या होता है द लैंड्स एडजेसेंट टू अ सिटी और पोर्ट दैट सप्लाई इट विद गुड्स एंड सर्विसेज। एक ऐसा लैंड जो एक सिटी या पोर्ट के साथ होता है पोर्ट मतलब जो पानी के साथ बना होता है जहाँ पर शिप्स होती हैं उसे पोर्ट कहते हैं जहां पर गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई होती है उसे हिंटरलैंड कहते हैं कंट्रोलिंग ग्राइजन टाउन्स इन डस्टर्न बंगाल एंड सिंध फ्रॉम डेली वॉज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट जो ग्राइजन टाउन्स बंगाल और सिंध में थे वो बहुत दूर थे दिल्ली से और दिल्ली से उनको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल था रेबेलियन वॉर इवन बैड वेदर कुड स्नैप फ्रिजाइल कम्युनिकेशन रूट्स रेबेलियन मतलब विरोध वॉर लड़ाई और इवन बैड वेदर कोड स्नैप फ्रेजाइल कम्युनिकेशन रूट्स फ्रेजाइल मतलब कमज़ोर कम्युनिकेशन रूट्स मतलब जहाँ से कम्युनिकेशन चलता था उन्हें वो हैक कर सकते थे उन्हें स्नैप कर सकते थे अगर कोई वॉर होता था तो कम्युनिकेशन टूट सकता था इसलिए डिफिकल्ट था वहाँ पे कंट्रोल करना डेलीज अथॉरिटी वॉज ऑल्सो चैलेंज बाई मंगोल इन्वेजन Afghanistan and by governors who rebelled at any sign of the सुल्तान weakness. वहाँ पर कंट्रोल उनके अथॉरिटी का कंट्रोल अफगानिस्तान के मंगोल इन्वेजन से भी चैलेंज हो रहा था इन्वेजन्स मतलब कोई जब फोर्सफुली कहीं पर एंटर करता है तो उसे इन्वेडिंग करना कहते हैं इन्वेड करना इन्वेजन तो मंगोल जो इन्वेजन्स थी उससे भी चैलेंज हो रहा था और जो गवर्नर्स थे जो विरोध कर देते थे किसी भी ऐसे साइन पे जहाँ पर सुल्तान की वीकनेस हो जहाँ पर रूलर की वीकनेस हो जैसे अभी ओपोजिशन पार्टी होती है वो रूलिंग पार्टी को अपोज करती है किसी भी उसकी वीकनेस पे द सल्तनत बेरली सर्वाइव दीज चैलेंजेस और ये सल्तनत बहुत मुश्किल से इन चैलेंजेस को सर्वाइव कर पाती थी इट एक्सपेंशन occurred during the reigns of গিয়াসউদ্দিন বলবন আলাউদ্দিন খলজি এন্ড মুহাম্মদ তুঘলক গিয়াসউদ্দিন বলবন আলাউদ্দিন খলজি এন্ড মুহাম্মদ তুঘলক কে রেইনস মানে উনকে রুল মে রেইনস ইয়ে রিজিওন্স নহি হ ইয়ে রেইন হ রেইন মানে এক এসা পিরিয়ড এক এসা টাইম পিরিয়ড জব কিসি রুলার কা রুল হো উসে রেইন কহতে হ্যায় ग्यासुद्दीन बलबन और अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के रेन में उनके रूल के अंडर की इसकी एक्सपेंशन हुई थी दिल्ली की सल्तनत की ग्राइजन टाउन क्या था एक फोर्टिफाइड सेटलमेंट था जहाँ पे सोल्जर्स थे फर्स्ट सेट ऑफ कैंपेन्स अलोंग द इंटरनल फ्रंटियर ऑफ़ द सल्तनत एम्ड एट कंसोलीडेटिंग दिंटर लैंड ऑफ द गाइजन टाउन जो पहला सेट था कैंपेन्स करने का कैंपेन करने का इंटरनल फ्रंटियर में मतलब अंदर की बाउंड्री के अंदर जो कैंपेनिंग चलती थी सल्तनत की वहाँ का फर्स्ट सेट जो था वो एम करता था किस पे कंसोलिडेट करने पे हिंटरलैंड्स को हिंटरलैंड्स क्या थे जहाँ पर पोर्ट्स होते थे उन्हें कंसोलिडेट करने के लिए उनका एम रहता था गिराइज़न टाउन्स के हिंटरलैंड पे ड्यूरिंग these campaigns forests वर cleared इन द गंगा यमुना डॉब एंड द हंटर gatherers एंड pastoral pastoralists expelled from their हैबिटेट इन campaigns के दौरान जो forests होते थे उनको क्लियर कर दिया जाता था गंगा यमुना डॉब में और हंटर गैदरर्स जो होते थे जो घूम फिर के शिकार करके अपना भोजन बनाते थे और खाते थे और पेस्टलिस्ट मतलब वही घूम फिर के बन जा रहे वो भी अपने हैबिटेट से अपने घरों से उनको बाहर निकलना पड़ता था फोर्सफुली उन्हें निकाल दिया जाता था एक्सपेल्ड मतलब फोर्सफुली किसी को निकाल देना दीज लैंड वर गिवन टू तो पीजेंट्स एंड एग्रीकल्चर वॉज इनक्रेज और इस लैंड को जहाँ पर उन्हें निकाल दिया जाता था जहाँ से उन उस लैंड को वो फार्मर्स को देते थे और एग्रीकल्चर को बढ़ावा देते थे न्यू फॉरेस्ट फॉरट्रेस एंड टाउन्स वर इस्टेब्लिश टू प्रोटेक्ट ट्रेड रूट्स एंड टू प्रमोट रीजनल ट्रेड अब ट्रेड को बढ़ाने के लिए नई ट्रेड रूट्स बनाई गई नई रोड्स बनाई गई नई ट्रेड रूट्स बनाई गई जिससे ट्रेड को बढ़ावा मिले और उसको प्रोटेक्शन भी मिले ये था हमारा फर्स्ट सेट अब सेकंड एक्सपेंशन अकर्ड अलोंग द एक्सटर्नल फ्रंटियर ऑफ़ द सल्तनत पहले था इंटरनल फ्रंटियर बाउंड्री के अंदर अंदर अब बाउंड्री के बाहर एक्सटर्नल फ्रंटियर फ्रंटियर मतलब बाउंड्री मिलिट्री एक्सपेडिशन एंड टू सर्दर्न इंडिया स्टार्टेड ड्यूरिंग द रेन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी अब सर्दर्न इंडिया में साउथ इंडिया में मिलिट्री की एक्सपेडिशन्स उनकी सर्च अलाउद्दीन खिलजी के रूल में उन उसके रेन में शुरू हुई एंड कलमिनेट विद मोहम्मद तुगलुक और मोहम्मद तुगलक के रेंज में ख़त्म हुई कलमिनेट मतलब फिनिश्ड इन दर कैंपेन्स सल्तनत आर्मीज कैप्चर्ड एलिफेंट्स हॉर्सेस एंड स्लेव्स एंड कैरियड अवे प्रेशियस मेटल्स और वो कैंपेन्स में सल्तनत की आर्मीज एलिफेंट्स हॉर्सेस और स्लेव्स को कैप्चर करती थी और प्रेशियस मेटल्स को कैरी अवे कर लेती थी लेकर चली जाती थी बाय द एंड ऑफ मोहम्मद तगलुक reign, रेन वन फिफ्टी ईयर्स आफ्टर सम वट हम्बल बिगिनिंग्स द आर्मीज ऑफ द डेली सल्तनत हैड मार्श अक्रॉस अ लार्ज पार्ट ऑफ द सब जो दिल्ली सल्तनत के आर्मीज थी वो मोहम्मद तुगलक के रेन ख़त्म होने तक सब कॉन्टिनेंट के बहुत लार्ज एरिया तक मार्च कर चुकी थी दे हे डिफिटिड राइवल आर्मीज एंड सीज्ड सिटीज उन्होंने रॉइवल आर्मीज़ को मतलब ओपोनेंट आर्मीज़ को डिफीट कर दिया था हरा दिया था और सिटीज़ को सीज कर लिया था सीज मतलब उन्हें कैप्चर कर लिया था उन पर कब्जा कर लिया था द सल्तनत कलेक्टेड टैक्सेस फ्राम द पीज एंट्री एंड डिस्पेंसड जस्टिस इन इट्स रियल जो सल्तनत थी वो टैक्स तो कलेक्ट करती थी एंट्री से मतलब फार्मर्स से और जस्टिस को डिस्पेंस करती थी मतलब जस्टिस को लागू करती थी न्यायपूर्वक रूल करती थी बट हाउ कंप्लीट एंड इफेक्टिव वॉज इट्स कंट्रोल ओवर सच अ वास्ट टेरेटरी अब इतनी बड़ी टेरेटरी इतने बड़े एरिया में इसका कंट्रोल इतना इफेक्टिव और कंप्लीट कैसे था द मस्जिद मस्जिद अब मॉस्क इज़ कॉल्ड अ मस्जिद इन अरबिक मस्जिद मतलब एक ऐसी जगह जहाँ पर मुसलमान वो करते हैं अपनी प्रेयर्स करते हैं उसे एक मस्जिद कहा जाता है लिटरली प्लेस अ मुस्लिम प्रोस्ट्रेट्स इन रेफरेंस टू इन रेफरेंस टू अल्लाह वो अपनी प्रेयर्स करते हैं एक ऐसा प्लेस जैसे हिंदू मंदिर लाइकवाइज मुस्लिम टू

बहुत सारी मस्जिद बनवाई थी सब कॉन्टिनेंट में पूरे दीज डेमॉन्स्ट्रेटेड देयर क्लेम्स टू बी प्रोटेक्टर्स ऑफ इस्लाम एंड मुस्लिम्स इससे वो ये दिखाना चाहते थे कि वो इस्लाम को और मुस्लिम्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं मॉस्क ऑल्सो हेल्प टू क्रिएट द सेंस ऑफ अ कम्युनिटी ऑफ बिलीवर्स हुयर अ बिलीफ सिस्टम एंड अ कोड ऑफ कंडक्ट इससे एक कम्युनिटी की सेंस होती थी सेंस ऑफ कम्युनिटी जनरेट होती थी कि बिलीव करते हैं वो एक कि रूलर्स उन उन्हें प्रोटेक्ट कर रहे हैं उनके इस्लाम को बचा रहे हैं इट वॉज नेसेसरी टू री दिस आइडिया ऑफ अ कम्युनिटी बिकॉज मुस्लिम्स केम फ्राम अ वाइटी ऑफ बैकग्राउंड्स और यह करना जरूरी भी था क्योंकि मुस्लिम्स बहुत सारे अलग अलग बैकग्राउंड से थे दिस वॉज द सेकेंड टॉपिक इन दिस वीडियो वी कवर्ड टू टॉपिक्स ऑफ द चैप्टर This was part one, and this is the end of the video. If you have any doubt, you can ask in the comment section. Thank you, and don't forget to subscribe my channel.